हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक तो अलग अलग राज्यों से यात्री पहुंच गए हैं, लेकिन यहां पर संसाधन ना होने की वजह से आगे की यात्रा कैसे तय करें, ये एक बड़ा चिंता और बड़ी सवाल जो है लोगों के लिए बना हुआ है। इस वक्त यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, कहाँ जाना है आपको, क्या नाम है और कहाँ से आ रहे हैं? मैम, मेरा नाम पंकज सिंह खोलिया है और मुझे वैसे तो पिथौरागढ़ जाना है, अगर हल्द्वानी तक भी हो जाए, लेकिन व्हीकल कुछ है नहीं हमारे लिए। यहाँ तक तो आ गए हैं हम लोग, लेकिन इसके आगे भी सरकार ने कुछ करना चाहिए था। यहाँ मतलब ये यहाँ पहुँचा के इन्होंने बस ये ऐसा कर दिया है कि अपना सरदर्द खत्म करना है। मुंबई से मैम। आप मुंबई से दिल्ली तक आ गए हैं, तो यहाँ पर आपने किसी प्रशासन के अधिकारी से बात करने की कोशिश की या किसी से मदद मांगने की कोशिश की या किसी टैक्सी वाले से बात? मैम, हमने यहाँ लोकली पुलिस वालों से तो बात की, वो लोग कह रहे हैं कि जो आपका टिकट है वही आपका पास है, बट कैब वाले इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि आप पास आपको एटलीस्ट चाहिए होगा, और पास इतनी जल्दी बनता नहीं है कोई भी पास। तो ये वही सिचुएशन हो गई है कि आसमान से टपके खजूर में अटके, मतलब यहाँ से आगे कुछ होना चाहिए हमारे लिए। मैंने ये चीज़ देखी थी कि MHA ने गाइडलाइंस एक तैयार की है कि अगर आपके पास टिकट है तो वो पास के रूप में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कैब वाले या सब बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो ओपनली तौर से नहीं कह रखा है। तो आपने जिन टैक्सी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा? मैम, वो मना कर रहे हैं, वो सीधा बोल रहे हैं कि हम जब तक हमको पास नहीं मिलेगा हम नहीं जा सकते। तो क्या सोचा है, कैसे आगे तक का सफर जो है आप तय करने वाले हैं यहाँ? मैम, फिलहाल तो कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, अब यही है, अभी देखते हैं क्या होता है। या तो गवर्नमेंट कुछ करे हमारे लिए, एटलीस्ट इतना वो कर सकते हैं कि एक ओपनली नोटिस इशू कर दे कि जो लोग वो लोग ला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ तक लाए हैं तो आगे उनको ये बोल दिया जाए कि हाँ, इनको परेशान ना किया जाए, कैब वाले टैक्सी वाले टिकट को या कुछ भी पास के रूप में मान सकते हैं, तो हम अपने घरों तक पहुँच सकें एटलीस्ट। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो यात्री पहुँचे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उनकी जो सिचुएशन है इस वक्त वो बेहद ही खराब है, बेबस हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ से आगे अपने घरों तक जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि किसी तरह की सुविधा जो है उन्हें प्राप्त करवा दी जाए ताकि वो अपने घर तक पहुँच सकें। और यहाँ से कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर का सफर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तय करना है, लेकिन कोई सुविधा ना होने की वजह से वो लोग बेबस हैं, परेशान हैं और अभी रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।